आपको याद होगा लाइंस के बारे में भी हम डिस्कस करते थे जी. आई डोंट नो वो एक्टर्स आज क्यों नहीं करते हैं. करेक्ट करेक्ट. और हम बहुत अपने डायरेक्टर्स से भिड़ जाते थे. हाँ, हम लड़ते थे बाकायदा कि ये देखिए हम इसका इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बाहर देख रहे हैं हम सोचें कि हम एक्टर्स बड़े आइडियल किस्म के हैं. हाँ करेक्ट. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस कड़ी के दूसरे एपिसोड में. हमारी बातचीत जारी है मनीष वाधवा के साथ, मेरे आचार्य चाणक्य के साथ. मतलब जैसे अपन मिथोलॉजी भी बात करें, अगर कि हम बोलते हैं कि मिथोलॉजी है, उसमें मेरा थोड़ा सा मत यह है कि हमने ये, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बड़ा वेस्टर्नाइज आउटलुक है टुवर्ड्स आवर कल्चरल हेरिटेज जी, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, उसको बड़ा वेस्टर्नाइज्ड, जो कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से देखकर बताकर उसको मिथोलॉजी की तरह से प्रस्तुत किया गया है कि ना ये शायद हुआ होगा जी, ये मिथ है बिल्कुल, पर उसके सबूत हैं तो फिर तो इसका मतलब हुआ है. अगर राम सेतु है तो हुआ है, हुआ अगर है. अगर द्वारका मिली है तो कृष्ण थे और अयोध्या तो है तो राम थे. 100% तो इसको ये जो एक आउटलुक दिया गया है कि ये मिथ है कि ऐसा हुआ होगा ग्रीक मिथोलॉजी में समझ सकता हूँ. अब जैसे लोग बोलते हैं ग्रीक मिथ, मतलब हुआ होगा भाई, ऐसा नहीं, पर वो उसको मानते हैं और वो उसका प्रमाण देते हैं. हमारे पास में भी वो प्रमाण हैं, जैसा आपने बोला कि इसीलिए कि दायरा भी फिर सीमित हो जाता है. करेक्ट. कि हमारे यहाँ पर जो एक अजीब सी विडंबना है ये अक्सर, और ये हमेशा जैसा आपने बोला कि स्पेशली बहुत समय से मैं देख रहा हूँ फिल्मों में, खासकर आज की बात नहीं है और एक दो इंस्टेंसेस की बात नहीं है, ये बहुत समय से, मतलब पिछले 20-25 सालों से जितनी भी फिल्में जो कि हमारे लेट्स से आर कल्चरल हेरिटेज पर बनी है, जो कि हिस्ट्री है हमारी उसके ऊपर बनी है, वो भले ही प्रासंगिक हो, कंटेम्प्ररी हो, मिडाइवल हो, मुगल हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसमें जितने भी हम जिसको भी सिनेमा पे उतारा गया है वो बड़ी ट्वीक करके और एक बड़े क्या बोलते अपनी सहूलियत, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको बना दिया जाता है. बिल्कुल. और उसके उल्टे जब हमने, और मैं बात कर रहा हूँ शुरू से टीवी की, मतलब महाभारत जब बना, रामायण जब पहली बार टीवी पर आई, या लेट्स से कि एनटीआर की जो श्री राम, जो रामायण थी जी, वो ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी कितने सालों पहले जी, वो भी वहाँ से वो शुरू होता है कि हम जो हमारे मिथोलॉजी कहते हैं, और जो टीवी पर स्पेशली जो हमारी कहानियाँ बनी हैं मिथोलॉजी हिस्ट्री, वो हमेशा बहुत अच्छा और बहुत सच्चाई के करीब वाला उनका बिल्कुल चित्रण होता है. बिल्कुल सही है. तो ऐसा क्यों आपको क्या लगता है कि बड़े पर्दे पर जो आपने बोला, जैसे हम बात करें अपनी सहूलियत के हिसाब से, वहाँ पर अपनी सहूलियत आ जाती है, और टीवी पर लोग अमूमन, बहुत रिसर्च होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है. देखिए रिसर्च तो उसके लिए भी वो लोग बोलते हैं कि हमने 2.5 साल 3 साल 4 साल बैठ के इस चीज़ के लिए रिसर्च किया, और आप लोगों ने क्या रिसर्च किया होगा जो हम लोगों ने किया. हर आदमी सबसे पहले अपने आप को वैसे ही, अब वो उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने बात की सहूलियत की, और दूसरा ग्लैमर, एक तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ग्लैमर वर्ड जो है ना, कि आप बड़ी स्क्रीन को एक ग्लैमर के नाम से, ओ भाई सब कुछ बड़ा है, चकाचौंध, और इसमें उस तरह से आना चाहिए, वहाँ अपना जो रियल है उसको भूल जाते हैं. जब अपना अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आडंबर आ जाता है. आडंबर आने के बाद चीज़ें सब बनावटी लगती हैं, और जब बनावटी लगती हैं तो आपको यहाँ छूती नहीं है, तो खत्म हो जाती है. करेक्ट. तो वहीं वहाँ पे हम मार खा जाते हैं. करेक्ट. ऐसी नहीं है बातें कि ये चीज़ें नहीं बनी हैं. आप बिल्कुल, आप एक चीज़ को दिल से जब कह जाते हैं तो वो दिखाई देती हैं. करेक्ट. उसमें अगर आपने बाई चांस की बात है 19-20 कर भी दिया हो, छोटा मोटा कैरेक्टर डाल भी दिया हो जो नहीं था, आपको वो ज़्यादा अखरता नहीं है, अदरवाइज अखरना शुरू हो जाता है. तो ये, और देखिए जैसे आपने कहा कि वो थोड़ा सा वो बाहर की तरफ हम लोग हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो ये है अब, और दूसरा हमारे पास कंप्यूटर है. आप क्या करते हैं, आप सीधा जाके गूगल खोलते हैं, जो चीज़ का रेफरेंस चाहिए वहाँ से ले, वहाँ से ले. आपका अपना दिमाग, गूगल के पास भी रेफरेंस किसी आदमी नहीं डाला होगा. करेक्ट. वहाँ तो आप पहुँचते नहीं हैं, आपको सिर्फ एक वो एक रेफरेंस ही चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप रामायण की बात कर रहे हैं, जब पहले बनी या पहले चीज़ें सीरियल में बनी, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रामलीला से और उस तरह से प्रभावित थी. करेक्ट. जो हम लोग शुरू से अपने बचपनों से या उनके परदादा या जो देखते आए थे. करेक्ट. उनके पास कोई गूगल नहीं था. Correct. तब वो राम जी का या महाभारत कहें तो उनके कोई चित्रण नहीं आए थे सामने कि हाँ उस टाइम अर्जुन ऐसे दिखते होंगे. उन्होंने जो वैसा उसको सोचा खुद से सोचा, या रामलीला में या बाकी जगह देखा, वही उन्होंने प्रेजेंट किया. अब हम क्या करते हैं, वही चीज़ को
खुद ही फॉलो करते हैं गूगल के थ्रू. अब यहाँ हमें अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया. करेक्ट. तो डेफिनेटली आप भटकेंगे. करेक्ट. भटकना शुरू हो चुका. करेक्ट. करेक्ट. तो बात यही है मनीष जी की जो फिल्में आजकल बन रही हैं वो बड़ी इतिहास पे जो बनती हैं बड़ी गूगल बेस्ड रिसर्च पे बनती हैं, और जो गूगल है वो गूगल जैसी रिसर्च देगा, और उसकी जो एक्चुअल रिसर्च है जो हमारे किताबों में लिखी गई है, हम जो हमारे एपिक्स लिखे गए हैं, स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने वाले लोग, उनमें से रिसर्च करने वाले लोग अब कम हो गए हैं. बिल्कुल. और टीवी में जितना मैंने काम किया और हम सब ने दोनों ने काम किया काफ़ी उसमें, और भगवान की कृपा से आपके और मेरे पास में ऐसी जिम्मेदारी वाले रोल ज़्यादा आए हैं. जी जी. तो और उसमें मेरा एक ये सवाल था कि आप कैसे देखते हैं इन जितने भी हम ये ऐतिहासिक जो हमारे किरदार होते हैं, पात्र होते हैं, जब हमें उन्हें निभाने का मौका मिलता है तो वो साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है. आप उस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं कि कोई भी जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है हमारा, अगर उसे निभाना है तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? सबसे पहले तो कैरेक्टर कोई भी हो, जिम्मेदारी तो हर रोल में है. बिल्कुल. अगर आप अपने रोल के लिए सीरियस ही नहीं है, लोग अमूमन ये मानते हैं कि सीरियस कैरेक्टर को करना उसके लिए बहुत जिम्मेदारी है, ये है. मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी कैरेक्टर करना हो या विलन का करना हो या सपोर्टिंग कैरेक्टर करना हो या कोई भी कैरेक्टर करना हो, चाहे वो तीन लाइन बोलनी हो, मुझे लगता है जिम्मेदारी तो उतनी है क्योंकि आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. करेक्ट. जब आप किसी को आगे लेकर जा रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो पूरी है. और जब बात आती है इतिहास की या मैथोलॉजी की, उस तरह के कैरेक्टर्स की, तो डबल हो जाती है. वो कैरेक्टर्स आपको बाहर लोगों के सामने भी उसी तरह से करने पड़ते हैं. मुझे याद है हम सिया के राम कर रहे थे, चंद्रगुप्त कर रहे थे, तो हमें बाहर तकरीबन लोगों के पास जाना पड़ता था. हम ट्रेवल साथ में कर रहे थे पब्लिक में, तो हमें कितनी बार हमें सोच कर खाना पड़ता था, चाहे हम बाद में खा रहे हों या ना खा रहे हों, बट लोगों के सामने, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग हैं और वो हमें उसी इमेज में देखते हैं. अब आप राम जी हैं, आप चंद्रगुप्त हैं, तो आपको एक इमेज है आपकी, तो इमेज आप तोड़ नहीं सकते. तो एक सीरियसनेस उस कैरेक्टर को लेकर बाहर की तरफ है. हाँ, जब आप रोल प्ले करते हैं तो डेफिनेटली और ज्यादा है कि कहीं गलती से आप इस तरह की लाइन्स ना बोल दें. आपको याद होगा लाइन्स के बारे में भी हम डिस्कस करते थे. आई डोंट नो वो एक्टर्स आज क्यों नहीं करते हैं. करेक्ट. करेक्ट. और हम बहुत डायरेक्टर्स से भिड़ जाते थे. हाँ, हम लड़ते थे बाकायदा कि ये देखिए हम इसका इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बाहर देख रहे हैं हम सोचें कि हम एक्टर्स बड़े अड़ियल किस्म के हैं. हाँ, करेक्ट. इट्स हेल्दी डिस्कशन. हमारा भी उतना ही उत्तरदायित्व है उस चीज को लोगों तक पहुंचाना. करेक्ट. जितना उनका भी है. करेक्ट. क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी इंडस्ट्री में, यानी हमारे यहाँ आज भी ये बोला जाता है, अरे भाई अमिताभ बच्चन ने क्या फिल्म बनाया है, अरे धर्म जी ने क्या फिल्म बनाया है, शाहरुख ने क्या फिल्म बनाया है. वो एक्टर्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर नाम आता है, जबकि वो क्या, वो सिर्फ एक्टर्स हैं जैसे हम हैं. करेक्ट. लिखा किसी और ने, बनाया किसी और ने. तो डेफिनेटली वो ध्यान रखा जाता है कि वो अंडरलाइन करके, भाई मैं ये लाइन मुझे लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि या इस लाइन को इस तरह से बोल दे तो अच्छा है बुरा, जो जिम्मेदारी तो एक्टर की ही हो जाती है. एक्टर की हो जाती है. करेक्ट. क्योंकि वही डिलीवर कर रहे हैं. तो वो एक सीरियसनेस मुझे लगता है वो हर एक्टर में होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप अड़ियल हो जाए, आप जबरदस्ती, हमारी लाइन बहुत सिंपल है, या कन्विंस कर दो या कन्विंस हो जाओ. करेक्ट. नहीं, उसमें वही बात है ना जो आप बोल रहे हो कि इसके लिए एक तो पहले खुद को आना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है. क्या आपको सवाल तो पता हो. हाँ. प्रश्न करने जा रहे हैं पर प्रश्न तो पता होना चाहिए, कर क्या रहे हैं. करेक्ट. और लेकिन आपने उसको कॉपी किया, उसके वो कैरेक्टर, तो वो एक्टर तो ना हर जगह अड़ जाता है, लड़ जाता है, मैं नहीं बोलूंगा. लेकिन भाई वो क्यों लड़ रहा था, क्यों लड़ रहा था, क्यों पूछ रहा था. लेकिन यहाँ तो मेरा वो, मैं ईगो बांध लेता हूँ कि मेरा तो बनना, ये वो भी गलत है. करेक्ट. नहीं, करेक्ट है. तो हमारा जो वो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी हो जाती है. एब्सोल्युटली. और वो मज़ा भी आता है कि जब आप बहुत जाने बूझे समझे हुए पढ़े लिखे कलाकारों के साथ में काम करते हो. तो वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट सामने ऑटोमेटिकली आता है. बिल्कुल. मैं थिएटर करता था, अभी थिएटर कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि करूँ, अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ. जनरली हम स्टेज पे खड़े होते हैं, चाहे वो एक एक बात मैं इससे पहले कहूँगा, जया बच्चन जी से
जब वो पहला अपना नाटक कर रही थी, मैं उनके साथ कर रहा था, तो उनसे पूछा गया कि मैम आपने तो इससे पहले नाटक किया नहीं है, और नाटकों से जब एक्टर्स फिल्मों में आते हैं, सीरियल्स उस तरह आते हैं, तो उनको एक बहुत नापा जाता है, आप तो फिल्मों से नाटक में आई हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है एक्टर की? वो जो थिएटर वाले एक्टर्स हैं बहुत कमाल के होते हैं, फिल्मों वालों में इतना नहीं होता है, या सीरियल वाले तो और भी इस तरह से। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही जो मेरे, मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में एक फितूर था कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, उन्होंने बहुत कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे हैं तो आप नाटक करें, नुक्कड़ नाटक करें, टीवी सीरियल करें, ऐड करें, आप अच्छे हैं, फिल्म करें, जो करें, आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर आप बुरे हैं तो बुरे हैं। तो इसमें कोई ये माध्यम इस बात का वो नहीं है। वेरी ट्रू। ये मेरी मतलब बहुत बड़ी सीख थी मेरे। करेक्ट करेक्ट। तो ये वही सीख जब मुझे स्टेज पर जब मैं हम लोग करते हैं, तो ये वो सीख है जो मैं अभी तक मान के चलता हूँ। हम अक्सर ये एक्टर भूल जाते हैं अक्सर कि ये तालियां बजी किसके लिए। करेक्ट। मेरे लिए और ज्यादातर एक्टर यही सोचते हैं कि मेरे लिए बजी, लेकिन वो राइटर की लाइंस भी होती हैं, जब वो लाइंस लिखेगा ही नहीं तो आप बोलेंगे क्या से? तो कई बार राइटर को क्लैप्स मिल रही होती हैं, राइटर को वाह वाह मिल रही होती है। करेक्ट। और एक्टर का इनपुट होता है कि आप उसको किस तरह से बोल जाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप अच्छी लाइन को खराब भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्यादातर बोलते ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तालियां सिर्फ आपको पड़ी या उनको पड़ी। तो एक आप एक बिल्कुल वो एक जो बनाकर सीरियसनेस बना। करेक्ट। वो एक समन्वय है कि लिखाई का, कलाकार, हमारी कला, हमारी जो आर्ट है वो एक पूरा एक टीम वर्क है। एब्सोल्युटली। और उस टीम वर्क, उसमें अगर स्पॉट बॉय भी ना हो तो फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो कैसे कोई बड़ा हो गया है, छोटा हो गया। हाँ। मैं तो इस मान को, इस बात को, और इसमें मतलब बहुत बड़ा श्रेय राइटर्स को जाता है जो अमूमन हम लोग नाम ही नहीं जानते हैं, जिनके होते ही नहीं सर। अच्छे फिल्मों में तो फिर भी कुछ फिर भी आ जाते हैं लोग। टीवी में तो लेखक का नाम पता ही नहीं होता किसी को। और एंड दे रियली मतलब आई रियली वो हीरोज हैं उसके पीछे जो बेचारे वो मेहनत कर रहे हैं उस चीज को। एब्सोल्युटली। मतलब अगर व्यास जी ने वो चंद्रगुप्त उस तरीके से नहीं लिखा होता, वो शब्द नहीं लिखे होते वैसे, या जितने रिसर्चर्स थे उसमें उन्होंने रिसर्च नहीं की होती, बिल्कुल वो उस तरह से बनता ही नहीं। वो लाइंस को इतनी आसान लिख दिया कि मेरे, करेक्ट, चाणक्य की लाइंस आप जैसे बोलते हैं जब, तो आपको लगता है कि यार क्या बोला है आपने। करेक्ट। अरे भाई मैं तो तब बोल पाया जब वो लिखा था उन्होंने। करेक्ट। वरना मैं क्या बोलता। बाकी लोग गुड़ गोबर बोलते हैं। पर इसमें ना एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ना आपसे सुनना चाहता हूँ, और बाकी सबको भी बताना चाहता हूँ आपके बारे में। आप चुपके से करते रहे तो बताते नहीं हो किसी को। हाँ जी भाई, आज की ही बात समाप्त हुई है, लेकिन बातें समाप्त नहीं हुई हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अगले एपिसोड में करेंगे। और मनीष जी ने मुझे ये बताया कि वो बहुत सारे ना ऐसे राज की बातें लेकर आए हैं चंद्रगुप्त के बारे में, शो के बारे में, और वो सारी राज की बातें आपसे शेयर करेंगे। और ऐसे ऐसे राज हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आपने क्या, मैंने खुद ही नहीं सुने होंगे। और एक बस सवाल था भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा आप लोग? कर लो यार, हैं पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, बिना पैसे के मुफ्त में बांट रहा हूँ, ले लो यार, हैं मज़ा आएगा। चलो थैंक यू, अगला एपिसोड में मिलते हैं।